सो यहाँ पे काफी सारे बच्चे कंफ्यूजन होगा, बीएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ है, थोड़ा सा हम इनके बारे में चर्चा कर लेंगे। क्या आप में से काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, क्या एग्जाम कैंसिल होगी या एग्जाम कैंसिल नहीं होगी? तो सबसे पहला पॉइंट हम आप लोग को बता दें, पेपर चाहे कोई भी लीक होती है तो जो बीएसएससी होती है ठीक है उनके पास जाता है, फिर वो उनका छानबीन करता है ठीक है, फिर वो प्रूफ करने की कोशिश करता है क्या ये रियल पेपर लीक हुआ है, और लीक हुआ है तो कितना देर पहले लीक हुआ है ठीक है, और किस सेंटर से लीक हुआ है पहले, वो सब चीज जांच होती है, और देन ये फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि हाँ ये पेपर लीक, ये पेपर को कैंसिल किया जाए। अदरवाइज यहाँ पे आप लोग इतना भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि हाँ पेपर लीक ही कराना है, खैर ये दूर की बात है, पेपर लीक हुआ है। हम ये चीज बोलने वाले हैं कि देखिए इससे पहले बीपीएससी का भी पेपर लीक हुआ था तो एग्जाम कैंसिल हो गया था, और काफी सारे बच्चे यहाँ पे खुश भी होते हैं तो काफी सारे बच्चे दुखी भी होते हैं ठीक है। अब जिनका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाता है वो तो जाहिर सी बात है बहुत ही खुश होंगे, वो तो चाहते ही नहीं, बट कुछ स्टूडेंट से ये कहने का मतलब था कि सर दो चार वीडियो और बनाइए ताकि लगे कि हाँ एग्जाम कैंसिल हो जाए। तो हम देखिए इस चीज के बारे में हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, ये डिसाइड कौन कर सकता है, बीएसएससी की ओर से ये डिसाइड करेगा, या जो बिहार सरकार है वो डिसाइड करते हैं क्या एग्जाम कैंसिल होगी या नहीं होगी। एग्जाम कैंसिल होगी तो इनका रीजन दिया जाएगा कि हाँ आपका पेपर लीक हुआ था, इस सेंटर से लीक हुआ था, इतना वजह से लीक हुआ था, देन क्या होता है तब कैंसिल पेपर जब देखता है कि ये काफी ज्यादा रोटेट हो चुका है, जो भी क्योंकि एक सर्वर पर उन्हें सारा मालूम हो जाता है कि ये पेपर लीक हुआ था कहाँ कहाँ किसके किसके पास पहुंचा है, इस चीज को आप लोग याद रख लेंगे क्योंकि जिसके पास सर्वर था ना वो सारा कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपका सारा डाटा निकाल सकता है ठीक है, वो कहाँ कहाँ रोटेट हुआ है। काफी ज्यादा अगर रोटेट होता है तो वहां पे क्या कर दिया जाता है, पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है, अगर दो तीन चार सेंटर से लीक होता है तो कैंसिल कर दिया जाता है, अगर एक सेंटर से लीक होती है तो वहां पे रोक भी दिया जाता है यहाँ पे ठीक है। खैर यहाँ पे हम आप लोग को बात करें, ये दूर की बात है, इससे पहले हम लोग बता दें कि बिहार में ना जब भी कोई भी एग्जाम हो तो बच्चे मैक्सिमम का एक तो भरोसा तो उठ ही चुका है कि हाँ एग्जाम टाइमली हो जाए, दूसरी बात एक तो 8 साल के बाद वैकेंसी आई थी, और वो भी 8 साल के बाद वैकेंसी आई थी तो काफी सारे बच्चे तो पहले ही एक्सपेक्ट कर लेते यार कुछ होने वाला हो ना हो मगर पेपर तो जरूर लीक हो जाएगा, रियल में हो भी गया लीक यहाँ पे भाई। क्यों सारे स्टूडेंट परेशान होंगे क्योंकि बहुत दूर दूर से सेंटर देने एग्जाम देने के लिए आते हैं और इतना ठंड का मौसम है, बहुत सारे छात्र 2000-3000 देके होटल में रुके और इनका एग्जाम कैंसिल हो जाना कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं तो यही बोलूंगा ना कि इस चीज पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, बट गवर्नमेंट भी ऐसा है जो देखा जा रहा है कि इतना भी हैवी नहीं है कि हाँ इनका दबाव किसी पर पड़ पाए। खैर सब तो देख रहे हैं कहीं ना कहीं सब तो अपने ही दाल रोटी सेकने में लगा हुआ है, खैर हम इन सब के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। सो कुछ ये था और हम लोग थोड़ा सा अभी तो आप लोग को नहीं मान पाऊंगा, शाम तक वेट इंतजार कीजिए, देखिए शाम तक क्या पेपर यहाँ पे बात करने वाले कैंसिल हो रही या नहीं हो रही वो आपको अभी नहीं मालूम होगा, वो शाम तक बता दिया जाएगा, नोटिस जो भी ऑफिशियली नोटिस है वो बता दिया जाएगा, या इवनिंग में आप लोग सॉरी कल मॉर्निंग तक में आप लोग को नोटिस बता दिया जाएगा कि ये कैंसिल होगा या नहीं होगा। सो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना है, थोड़ा सा रुके थोड़ा और सेम के लिए। थैंक यू।